आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे हम मल्टीपल वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जहां पे वी लुकअप फेल हो जाता है, क्योंकि वी लुकअप हो एक्स लुकअप हो ये हमारे को हमेशा पहली वैल्यू देता है। बट कई बार हमारी जरूरत होती है कि अगर मेरी कोई भी वैल्यू रिपीट हो रही है तो उसमें दो नाम है, तीन नाम है, वैल्यू है, तो मेरे को उन तीनों की ही मेरे को लेके आनी है। तो कैसे वो करेंगे उसके अंदर, जैसे आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पे राम कई बार आ रखा है, अगर मैं यहाँ पे राम के ऊपर अगर वी लुकअप या एक्स लुकअप लगाता हूं तो ये मेरे को केवल दीपक की वैल्यू देगा। बट मेरे को चाहिए कि जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास राम की वैल्यू है और इसमें राम से रिलेटेड जितने भी नाम हैं, जो भी ये मैनेजर है उसके चार असिस्टेंट है, तो चारों असिस्टेंट्स के नाम मेरे को ये कोमा के साथ में चाहिए। अगर तीन नाम है तो तीन चाहिए, और ये रियल टाइम पे चाहिए। अगर मेरा डेटा चेंज हो तो यहाँ पे मेरा रिजल्ट भी चेंज हो। तो देखिए कैसे इसके अंदर ये काम करेगा, तो आइए समझते हैं। इसके लिए हमारे को यूज करना है एक्सेल 365। एक्सेल 365 में बहुत इजी है, पॉसिबल है ये। उसके लिए सबसे पहले हमारे को क्या करना होगा कि एक फॉर्मूला है एक्सेल 365 में यूनिक। अगर मैंने यूनिक निकाला तो यूनिक मेरे को क्या देगा, मेरे को ये लिस्ट दे देगा। अगर मैंने इसमें से ये पूरी की पूरी ये लिस्ट ली यूनिक A22 A16, तो इसमें से केवल और केवल वो नाम जो कि एक बार मल्टीपल भी आ रहे हैं बट यहाँ पे वो यूनिक देगा मेरे को। अब मेरे को राम की वैल्यू लेकर के आनी है यहाँ पे। अगर मैं नॉर्मल वी लुकअप लगाऊंगा काम नहीं करेगा, इसके लिए हमारे को दूसरा फॉर्मूला यूज करना है, और उस फॉर्मूले का नाम है फिल्टर, कि मेरे को फिल्टर करना है। फिल्टर में क्या वैल्यू चाहिए मेरे को, मेरे को असिस्टेंट की वैल्यू चाहिए। तो ये मैंने पहली इसके अंदर एरे दे दिया, और कंडीशन मैंने क्या दी कि ये जो वैल्यू है, ये जो कॉलम है, दैट शुड बी इक्वल टू राम। अगर ये इससे इक्वल है तो मेरे को वैल्यू दे दे। तो ये देखिए इसने चार वैल्यू है तो चार आ गई। अगर मैं इसमें श्याम की जगह राम कर देता हूं यहां पे देखिए, तो यहां पे अनीस भी ऑटोमेटिकली यहां पे आ रहा है, राइट। तो अब मेरे को ये लेकिन चार वैल्यू है, मेरे को एक ही सेल में लेके आनी है, तो इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए अगेन एक फॉर्मूला है कि मैं मल्टीपल जो सेल्स के अंदर वैल्यू है उन सबको ज्वाइन कर सकता हूं, और फॉर्मूले का नाम है टेक्स्ट ज्वाइन। अब ये देखिए मैं यहां पे गया और टेक्स्ट ज्वाइन जो मेरे पास एक नया फॉर्मूला है, ये भी एक्सेल 365 का फॉर्मूला है, ये मैंने किया, और पहली इसके अंदर कमांड देनी है डिलिमिटर, कि मेरा जो सेपरेटर है वो क्या रहेगा। तो मैंने इसको कहा इन्वर्टेड कोमाज में कोमा एंड स्पेस, ये मेरा रहेगा। उसके बाद मैंने कोमा दिया। सेकंड ये कह रहा है इग्नोर एम्प्टी सेल्स, यस इग्नोर एम्प्टी सेल्स बाय डिफॉल्ट ही इग्नोर करेगा। और फिर उसके बाद मेरी जो भी वैल्यू आ रही है वो एज इट इज जो फिल्टर में था, लास्ट में मैं गया और एक ब्रैकेट भी यहां पे बंद कर दिया। अब ये देखिए इसने मेरे को वैल्यू दे दी, टेक्स्ट ज्वाइन किया और उसके बाद राम की वैल्यू यहां पे मेरे को दे दी इसके अंदर। अब ये डायनामिक है, पूरा का पूरा मेरे को चेंज करके देगा। अगर कोई भी रिजल्ट चेंज हो रहा है यहां पे, अगर मैं सबके अंदर यहां पे देखिए राम ही कर दूं यहां पे, ये देखिए तो यहां पे देखिए ऑटोमेटिकली सारे के सारे नाम मेरे को यहां पे राम से रिलेटेड आ रहे हैं, राइट। और इसी प्रकार जब मैंने ये किया तो क्या कर सकते हैं, ये चीज मैं फिक्स कर सकता हूं कि यहां पे मैंने फिक्स कर दिया और इसको भी मैंने फिक्स कर दिया। और ये करने के बाद ये देखिए मैंने इसको ये सिलेक्ट किया और यहां पे जा करके F4 दबा करके फिक्स कर दिया, तो ये राम की वैल्यू आ गई। और इसको मैंने अगर ड्रैग किया तो ये देखिए मेरे को फर्दर वैल्यूज यहां पे सारे की सारी आ गई। और इसको भी अगर मेरे को बिना फिक्स किए करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे बाई रो का फंक्शन और इसके अंदर लगा सकता हूं, कि जिसके थ्रू बाई रो का फंक्शन लगाने से ये वाली जो चीज है मैं यहां पे अभी D1 दे रहा हूं, तो D1 हैश दे सकता हूं, उसमें भी ये मेरे को काम करेगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे मैंने लगाया बाई रो, और बाई रो में मैंने कहा कि मेरे को जो रेंज देनी है वो ये वाली रेंज देनी है जो बाई रो करनी है, तो ये D1 हैश आ गया। और इसके बाद मैंने यहां पे किया लैम्डा, तो यहां पे लैम्डा लगाने के बाद यहां पे इसकी जो वैल्यू है D1 हैश की वो मैंने वैल्यू दी A, कोमा लगाने के बाद अब यहां पे जहां पे मैंने D1 दे रखा है यहां पे मैंने क्या किया A वैल्यू दे दी। तो इससे क्या होगा, अगर मैं इसको यहां पे F4 नहीं भी करता हूं तो ये मेरा पूरी तरह से डायनामिक हो जाएगा। और यहां पे देखिए मैंने इसको एंटर किया यहां पे जाकर के, और ये देखिए इसने मेरे को पूरी वैल्यू दे दी। अब मैं इसके अंदर अगर नाम भी चेंज करता हूं, सपोज करो मैंने विजय किया यहां पे, राइट, यहां पे मैंने राज किया, तो ये देखिए
अगर यहाँ पे तो क्योंकि मेरे पास वैल्यू आगे भी बढ़ गई, तो नीचे अगर आप फॉर्मूला देखेंगे ऑटोमेटिकली मेरे को अगर कम वैल्यू हो रही है तो ये कम भी कर रहा है, ज़्यादा हो रही है तो मेरे को ये ज़्यादा भी कर रहा है। ये देखिए मैंने इसके अंदर विजय किया तो विजय की वैल्यू आ गई सारे के सारे, और केवल मैं राम ही कर देता हूँ पूरे के अंदर यहाँ पे केवल दो वैल्यू, तो देखिए राम की वैल्यू सारी आ गई और श्याम की वैल्यू भी इसके अंदर आ गई। राइट फ्रेंड्स, तो ऐसे करके हम यहाँ पर कोई भी चीज़ कुछ भी अगर हम लेना चाहे वैल्यू, तो यहाँ पे हमारे को बाय रो करके और ये वैल्यू भी लेके आ सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला जो मेरा ये सॉल्यूशन मैंने जो ये बना रखा है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे ये फॉर्मूला है बाय रो, इसमें क्या यूज किया हमने, फिल्टर का फॉर्मूला यूज किया, टेक्स्ट ज्वाइन किया, उन सब की वैल्यूज को हमने कोमा सेपरेटर करना है, सिंगल सेल में करना है, और अगर मेरे को इस फॉर्मूले को फर्दर डायनामिक करना है तो मैंने बाय रो का भी फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर लिया है। आपने प्रैक्टिस करनी है, अंटिल यू आर गोइंग टू डू प्रैक्टिस विद योर हैंड आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये आप यूज कीजिए एक्सेल 365 के फॉर्मूला, डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपके जो काफ़ी मुश्किल वाले सॉल्यूशंस वो सिंगल सेल सॉल्यूशंस आपके बन सकते हैं।